हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने बी फार्म सिक्स सेमेस्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट कर दिया है और मैंने दो सब्जेक्ट का अभी तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाल दिया हूँ। कौन कौन से सब्जेक्ट का? फार्माकोलॉजी 3 एंड हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी का मैंने पहले ही एक दो दिन पहले मैं डाल दिया हूँ। और आप लोग को मैं बताया भी था कि एक वीक के अंदर सिक्स सेमेस्टर का पूरा ऑल सब्जेक्ट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो जो है वो मैं पूरा का पूरा बता दूंगा। अगर आप लोग बस इतना ही पढ़ लेंगे तो जान लीजिए बहुत ही अच्छे नंबर से पास होंगे। अगर आप लोग पूरा पढ़े होंगे तो क्वेश्चन देखते ही समझ जाएंगे कि क्वेश्चन किस टाइप का है। ठीक, तो देखिए आज मैं जो सब्जेक्ट लेके आया हूँ फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी। ठीक, मैं हूँ अंकित चतुर्वेदी और आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बी फार्म सिक्स सेमेस्टर बाय सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी। ठीक, तो क्वेश्चन बनाने में थोड़ा टाइम लगता है इसलिए वीडियो एक दो दिन लेट हो जाता है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, 2 से 3 दिन में और लगेगा, ऑल सब्जेक्ट क्लियर कर दूंगा मैं क्वेश्चन पेपर लाके। ठीक, तो देखिए इस सब्जेक्ट में क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा रहेगा लेकिन क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग केवल क्वेश्चन बस पढ़ लेंगे तो जान लीजिए बहुत ही अच्छा नंबर आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, ऑल यूनिट में लॉन्ग क्वेश्चन किस टाइप का उठाएगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन को केवल देखते हैं जो 7 से 10 नंबर में उठाता है। एक्सप्लेन द डिफरेंट बिटवीन इमोबिलाइजेशन ऑफ एंजाइम एंड गिव इट्स एप्लीकेशन। डिस्क्राइब द प्रोडक्शन ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। एक्सप्लेन द प्रोडक्शन ऑफ जीसोपिन एंड पेनिसिलिन बाय फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी विथ ए नेट। लेबल फ्लो चार्ट, पूरा चार्ट के साथ इसको दिखाते हुए करना है। तो सभी क्वेश्चन को मैं देखिए धीरे धीरे दिखा रहा हूं आप लोग को। 5वां क्वेश्चन देखिए, डिटेल में इसको लिखना है, राइट नोट ऑन डिटेल क्लोनिंग वेक्टर के बारे में। बायोसेंसर क्या होता है एक्सप्लेन करना है, फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन उसके पूरे टाइप को बताते हुए। फिर 6वां क्वेश्चन देखिए क्या है, डिस्क्राइब द प्रोडक्शन ऑफ साइट्रिक एसिड बाय फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी विथ नीट लेबल डायग्राम चार्ट। देखिए क्वेश्चन कुछ कुछ सेम है लेकिन किस किस टाइप के उठाते हैं क्वेश्चन, मैं सभी क्वेश्चन को पूरा दिखा रहा हूँ। आप लोग इन क्वेश्चन को अगर एक बार लिख लेंगे, बस क्वेश्चन को लिख के और थोड़ा थोड़ा ही सॉल्व कर लेंगे और देख लेंगे तो जान लीजिए सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये सब क्वेश्चन जेनेटिक इंजीनियरिंग मेथड इंसुलिन का ये सब बहुत बार पूछा है, तो ये सब क्वेश्चन आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा। अगर क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन आता है, कोई क्वेश्चन आप लोग सॉल्व ना कर पाए तो तुरंत आप लोग बताइएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइएगा, या फिर मैं उसको पीडीएफ बना के टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, नहीं तो मैं वीडियो को बना के आल क्वेश्चन को समझाते हुए मैं खत्म करूंगा। ठीक, तो 15वां क्वेश्चन देखिए वही भी है, क्या है, राइट द डिजाइन ऑफ इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन विथ ए नीट लेबल डायग्राम, नीट लेबल डायग्राम। फिर 16वां क्वेश्चन क्या है, एंजाइम इमोबिलाइजेशन क्या होता है, एक्सप्लेन कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड जेल एक्स्ट्रा पेमेंट मेथड विथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। 17वां ट्रामा, ये सब क्वेश्चन देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन सेम है लेकिन घुमा घुमा के किस टाइप का पूछता है, इसलिए मैं सब क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आप लोग को कि कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक, सभी क्वेश्चन को अगर आप लोग को कंफ्यूजन होगा तो जरूर बताइएगा, किसी भी क्वेश्चन में अगर आप लोग को कंफ्यूजन आए तो आप लोग जरूर बताइएगा, मैं सभी क्वेश्चन को सॉल्व करवा दूंगा। बायोसेंसर वाला देखिए मैं बताया था ऊपर ही लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा घुमा दिया है, एक्सप्लेन टाइप विद फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन, सेम क्वेश्चन है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। बायोसेंसर क्या होता है टाइप फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन के बारे में देखिए यहाँ पे भी पूछा है, राइट डिटेल नोट ऑन क्लोनिंग वेक्टर, फिर डिस्क्राइब करना है साइट्रिक एसिड फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, ये भी मैं ऊपर बताया हूँ, एक क्वेश्चन था। ठीक, तो 25 से 30 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कुछ कुछ सेम है तो आप लोग अगर देखेंगे तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 15 से 20 क्वेश्चन है लेकिन यही सब क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछता है, तो क्वेश्चन को आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। ठीक, पूरा फ्लो चार्ट के साथ दिखाना है। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ बायोसेंसर एंड देयर एप्लीकेशन इन फार्मेसी मेडिसिन। ठीक,
वी डिस्क्राइब द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन बाय डीएनए टेक्नोलॉजी। लास्ट क्वेश्चन इसका जो है, डिस्क्राइब द प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिन फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी विथ नीट लेबल डायग्राम चार्ट के साथ, इसको पूरा बढ़िया से बना के दिखाना है। फिर 60 क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर 5 नंबर में भी उठा लेता है, 2 नंबर में भी उठा लेता है। क्वेश्चन के हिसाब से जैसा पूछेगा आप लोग उसी टाइप में आंसर दीजिएगा। जैसे ये क्वेश्चन 60 में पूछता है तो आप लोग पूरा एकदम अच्छे से ना डिस्क्राइब करते हुए 60 में सॉलिड लिखिए, और सॉलिड में थोड़ा 60 में ही डिस्क्राइब कीजिएगा। ज्यादा बड़ा खींचेंगे तो 2 नंबर में ज्यादा बड़ा खींचेंगे तो नंबर कट सकता है आप लोग का। डिस्क्राइब द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन इंसुलिन, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर इंसुलिन ईएमएचसी वाले, ये तो बहुत बार पूछता है, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर डिस्क्राइब द प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बाई हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ वायरल वैक्सीन, ये भी एक्सप्लेन अच्छे से आप लोग कर ही लेंगे अगर पढ़े होंगे तो, नहीं पढ़े होंगे तो बताइएगा, मैं इसको पूरा शेयर कर दूंगा आंसर के साथ। सीरम इम्यून ब्लड डेरिवेटिव, इसका नोट लिखना है, 60 नोट पूछेगा तो जान लीजिए 2 नंबर में तो अच्छे से उठाया है। डिस्क्राइब एलिसा, इसको बोलते हैं टेस्ट विथ इट्स एप्लीकेशन। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ज्यादा मैं हार्ड क्वेश्चन नहीं दिखा रहा हूँ, और आप लोग अपने पेपर जो आएगा उसको मिला लीजिएगा, देखिएगा क्वेश्चन लगभग में 90% तो लड़ ही जाएगा। इसीलिए मैं क्वेश्चन इसमें ज्यादा लेके आया हूँ, क्योंकि ये बायोटेक्नोलॉजी बता रहे थे सब लोग कि बहुत ही हार्ड है, बहुत ही हार्ड है, तो कहाँ से क्वेश्चन उठाएगा, तो सब क्वेश्चन लड़ जाएगा किसी भी तरीके से क्वेश्चन उठाए। इसीलिए मैं इस सब्जेक्ट में थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन लेके आया हूँ और सब एक ही में कर दिया हूँ। लिस्ट आउट डिफरेंट ब्लड प्रोडक्ट एप्लीकेशन, आउटलाइन जनरल मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लाइव वायरल वैक्सीन, राइट ए रोल लिम्फोसाइट इन इम्यूनिटी, डिस्क्राइब द साउथरियन ब्लड टेस्ट, हाउ डज डिफर वेस्टर्न ब्लड टेस्ट, फिर एक्सप्लेन करना है कंजुगेशन, राइट इट्स सिग्निफिकेंस। ये देखिए एक्सप्लेन करने का 5 से 7 नंबर में ये सब क्वेश्चन जरूर उठाता है, ये सब क्वेश्चन 5 नंबर में हमेशा उठाता है। इन सब क्वेश्चन पे आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को देखेंगे तो लगभग में क्वेश्चन सेम ही है। ठीक, ये भी देखें यहाँ पे वैक्सीन वाला, बैक्टीरियल वाला है, यहाँ पे देखिए वाटर वैक्सीन, वैक्सीन क्या होता है, क्लासिफाई टाइप विथ एग्जांपल के साथ क्लासिफाई करना है इसको। डिस्क्राइब द साउथर्न ब्लड टेस्ट विथ एप्लीकेशन, ऊपर मैं इसको बताया हूँ, वही वाला देखें यहाँ पे भी दे दिया है, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाएगा लेकिन क्वेश्चन सेम रहेगा। ठीक, व्हाट इज पीसीआर वर्किंग प्रिंसिपल, इसका लिखना है। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स, फिर ये देखिए राइट द प्रोडक्शन ऑफ किल्ड बैक्टीरियल वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, राइट द प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, राइट ब्रीफ हिस्ट्री में, सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग क्वेश्चन को जरूर देखिएगा और थोड़ा सा क्वेश्चन का सॉल्व आंसर देख लेंगे, जान लीजिए बहुत हेल्प मिलेगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट थोड़ा सा हार्ड है और इस सब्जेक्ट में ज्यादा लोग का बैक भी लगता है, तो बैक तो मैं लगने नहीं दूंगा। अगर आप लोग मेरा ये इतना क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो बैक तो कभी नहीं लगेगा, और नंबर बहुत ही अच्छा आएगा अगर थोड़ा सा डिटेल इतना क्वेश्चन पढ़ लेंगे। बस क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा ही सॉल्व करिए, सॉलिड सॉल्व कीजिएगा, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, अगर क्वेश्चन को सॉल्व मत कीजिएगा तो मैं इसको पूरा बढ़िया सा एलिसा विथ एप्लीकेशन वाला, ये ऊपर भी बताया था मैं, यही सब क्वेश्चन देखिए घुमा घुमा के दिया है, ये सब पूछ लेता है। विटामिन बी12 का प्रोडक्शन वाला पूछ लेता है, ये इंपॉर्टेंट है। क्लासिफाई इम्यूनिटी, राइट द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी बहुत बार पूछा है, ये आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये आप लोग जरूर पढ़ लेना। ठीक, आउटलाइन द जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ लाइव अटेंडेंस बैक्टीरियल वैक्सीन, ये सब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को ज्यादा देख के आप लोग डरिएगा मत, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सेम है। देखिए एलिसा वाला जो मैं बताया हूँ,
ALISA, ये देखिए यहाँ पे भी दिया गया, डिस्क्राइब विथ इट्स एप्लीकेशन, ठीक। एक्सप्लेन द माइक्रोबियल बायोट्रांसफॉर्मेशन विथ एग्जाम्पल के साथ इसको एक्सप्लेन करना है। पहले अगर ये पूछेगा तो पहले क्या होता है बायोट्रांसफॉर्मेशन, अगर 7 नंबर में पूछेगा तो पहले बायोट्रांसफॉर्मेशन का आप लोग उसका डेफिनेशन लिखिएगा, फिर एक्सप्लेन करिएगा एग्जाम्पल के साथ बताइएगा, तो 7 नंबर में ऐसे घुमा के मिल जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन द प्रोडक्शन ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन डीएनए टेक्नोलॉजी। जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला मैं बताया हूं ऊपर ही, वही फिर घुमा के पूछ लिया। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूटेशंस, ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछता है बहुत बार, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो क्वेश्चन ज्यादा देख के आप लोग डरिएगा मत, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस आप लोग अच्छे से पूरा पढ़ लीजिएगा। कंजुगेशन को एक्सप्लेन करना है और इसके सिग्निफिकेंस को बताना है, देखिए कंजुगेशन के बारे में। फिर लाइपेज क्या होता है, लाइपेज के बारे में बताना है। पॉलीमरेज क्या होता है, इसको पॉलीमरेज चेन को एक्सप्लेन करना है। आउटलाइन द प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरेंस डीएनए टेक्नोलॉजी, ये बताना है। माइक्रोबियल बायोट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पूरा अच्छे से बताना है क्या होता है, ये वही सब क्वेश्चन है। म्यूटेशन को डिफरेंट टाइप में एक्सप्लेन करना है। डिस्क्राइब द प्रोडक्शन ऑफ कैटालेज, यही सब क्वेश्चन देखिए है। व्हाट आर द मॉलिक्यूलर सेंसर, एक्सप्लेन द रोल ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को पहली बात तो आप लोग पूरा का पूरा अगर लिखना चाहते हो तो अपने हैंड राइटिंग में लिखिएगा। हैंड राइटिंग में लिखने से, मैं आप लोग को हैंड राइटिंग में लिख के दिखाता तो कुछ लोग एक्सप्लेनिंग में, जैसे स्पेलिंग में कंफ्यूज होते हैं कि सर ये क्या लिखे हैं, सर वो क्या लिखे हैं, इसीलिए मैं PDF में बना के इसमें टाइपिंग करवा के इसमें किया हूँ, जिससे आप लोग को कहीं भी कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, सभी 2 नंबर में ही उठाता है, जल्दी 5 नंबर में नहीं उठाता है। ये सब डिफाइन करना है, वो तो 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन था जो 60 था, ये सब 2-2 नंबर का क्वेश्चन है, ये आप लोग पूरा अच्छे से पढ़ लेना। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए ज्यादा ही बताया हूँ, इतना पढ़ लेंगे 2 नंबर में तो कहीं काट नहीं पाएगा कोई भी, कहीं से भी क्वेश्चन उठा ले, किसी भी यूनिवर्सिटी का पेपर उठा के आप लोग क्वेश्चन 2 नंबर वाला मिला लीजिएगा, कहीं से भी उठाए। राइट एनी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ इम्यूनोग्लोबिन एम ग्लोबुलिन, राइट ए डिफरेंस बिटवीन वैक्सीन एंड सेरा, इसको डिफरेंस बताना है। कॉस्मिक वेक्टर क्या होता है, 4 एप्लीकेशन PCR करना है। राइट एनी 4 डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक डीएनए के बारे में डिफरेंस 4 बताना है। 4 एप्लीकेशन लिखना है इम्यूनोब्लास्ट एंजाइम के बारे में। सेलुलर इम्यूनिटी क्या होता है, प्रोजेक्टिव फर्मेंटेशन क्या होता है, यही सब बताना है। ये सब 2-2 नंबर का क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ये सब क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप लोग बताइएगा। अगर आंसर किसी का भी ना मिले तुरंत बताइएगा, मैं सब कुछ सॉल्व करवा दूंगा, ठीक। इसीलिए मैं हर बार बोल रहा हूँ, आप लोग अगर हमारे टेलीग्राम चैनल में ना ज्वाइन हो तुरंत का तुरंत ज्वाइन कर दीजिए, और चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट डालता हूँ। अब 3रा सब्जेक्ट का है चल रहा है, फिर न्यू सब्जेक्ट का मैं जल्द ही ला के अपलोड कर दूंगा। 2 ब्लड प्रोडक्ट एप्लीकेशन के बारे में यहाँ पे नेम बताना है किसी 2 ब्लड प्रोडक्ट के। हाइपर सेंसिटिविटी क्या होता है, उसके टाइप को बताना है यहाँ पे। माइक्रोबियल बायोट्रांसफॉर्मेशन 2 एग्जाम्पल के साथ बताना है। एलिसा क्या होता है इसके बारे में देखिए, 2 एप्लीकेशन सब्स्टिट्यूट। इम्यूनोलाइजेशन के बारे में, ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब क्वेश्चन आप लोग लिखते चलिएगा। एंटीटॉक्सिन क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ लिखना है, ये क्वेश्चन आप लोग तो छोड़िएगा ही मत। इस क्वेश्चन को मैं अंडरलाइन देके कर दे रहा हूं सर्किल में, आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा इसको। EMHC प्लाज्मा सब्स्टिट्यूट क्या होता है, ये सब आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा। पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है, एंजाइम इन मेडिसिन। प्रोजेक्टेड फर्मेंटेशन क्या होता है, सेलुलर इम्यूनिटी क्या होता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जान लीजिए ये सब।
कॉस्मिक वेक्टर क्या होता है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा आप लोग, टू एप्लीकेशन पीसीआर। और देखिए लास्ट इम्यूनोलॉजिकल ग्लोबुलिन क्या होता है, ए सेरा वैक्सीन में करना है, इपिसोम्स ट्रांसपोर्ट, राइट एनी फोर एप्लीकेशन आप साउटर्न ब्लड टेस्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोटीन इंजीनियरिंग क्या होता है इसको बताना है, चार एप्लीकेशन लिखना है प्रोटीएज। कैम्ब्रिक डीएनए क्या होता है, दो एग्जांपल देना है प्लाज्मिड का क्या होता है इसके बारे में दो एग्जांपल के साथ बताना है। तो देखिए दो नंबर में मैं 95 क्वेश्चन बनाया हूं और आप लोग से केवल एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग पूरा क्वेश्चन अच्छी तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा, अगर किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी कंफ्यूजन आता है तो बस सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी क्यों लिखा हूं। आप लोग अगर फार्मेसी किया हो कर रहे हो तो आप लोग को फुल सपोर्ट करेगा ये चैनल, ठीक। तो कहीं से भी आप लोग को बहुत बेहतरीन से बेहतरीन मैं आंसर प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, बस आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और सभी क्वेश्चन को लिखिए और बताइए कहाँ पे क्या कंफ्यूजन आ रहा है, क्वेश्चन को बताइए, मैं तुरंत आंसर अपलोड करवा दूंगा क्योंकि इस चैनल का नाम ही है सपोर्टिंग आप फार्मेसी, ठीक। तो चलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और अपने ऑल फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए जिससे सभी लोग को हेल्प मिल जाए, एक दूसरे का हेल्प करना चाहिए बहुत जरूरी होता है। तो चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं अगले लेक्चर में न्यू सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।